अस्सलाम वालेकुम। आज हम उड़द गोश्त बनाने जा रहे हैं जो यूपी का बहुत ही मशहूर है और बिजनौर साइड ये बहुत फेमस है। वहाँ की शादियों वगैरह में भी ये बनाया जाता है। बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही आसानी से घर में बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं शादियों वाला माश गोश या उड़द गोश कैसे बनाते हैं। साबुत उड़द होती है, इसको हमने ये आधा कप लिया है और इसको भिगो दिया है हमने। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसका यूज़ करेंगे हम। और ये हमने 250 ग्राम मटन लिया है, बोन वाला है मटन और थोड़ा सा चिकना है। और ये पाउडर मसाले हैं, ये नमक टेस्ट के हिसाब से ले लें। एक टेबल स्पून धनिया पाउडर है, एक टी स्पून लाल मिर्च है और ये डेढ़ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है हमने। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको स्लाइस कर लिया है। बघाने के लिए एक तेज़पत्ता लेंगे और ये चार पांच लौंगे हैं, छः सात दाने काली मिर्च के हैं और ये दो छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं, दो हरी इलायची हैं और ये हाफ़ टी स्पून के करीब ये ज़ीरा है, इससे बघार लगाएंगे। यहाँ पर हमने सरसों का तेल लिया है, मस्टर्ड ऑयल लिया है 100 ml से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो इसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे और फिर इसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे और ये अपने साबुत मसाले जो हमने लिए हैं इनको डालेंगे इसमें। तो तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाए, फिर इसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे। सरसों का तेल थोड़ा तेज़ गरम हो जाता है तभी उसको खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करें। तो ये प्याज डाल दी हमने पहले। अगर कच्चा रहता है सरसों का तेल तो थोड़ी स्मेल आती है उसमें सरसों की। तो थोड़ा सा प्याज में कलर आ जाए तो फिर उसके बाद हम ये जो हमने साबुत मसाले लिए हैं उनको डाल देंगे इसमें और उसमें भी अच्छी से खुशबू आ जाएगी। ये साबुत मसालों को भी हमने इसी में डाल दिया और एक दो मिनट इसके साथ भी हम भून लेंगे प्याज को। और फिर उसके बाद इसमें हम गोश्त डाल देंगे जो हमने ये मटन धो के रखा हुआ है। मटन या बीफ आप कुछ भी ले सकते हैं इसकी जगह पर। थोड़ा सा प्याज और गुलाबी हो जाए बस फिर हम इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। तो बस अब ये कलर हमारा अच्छा सा आ गया है प्याज में और सारे जो खड़े मसाले डाले थे उसमें भी खुशबू आ गई है। तो अब ये हम गोश्त इसमें डाल देते हैं। और गोश्त डाल के थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का सा कलर इसका जब चेंज हो जाता है, वाइट वाइट सा होने लगता है, तब उसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और जो हमने पाउडर्ड मसाले लिए हैं पीसे हुए उनको डालेंगे और उनका साथ भी थोड़ी देर अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से एक चम्मच भर के हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया इसमें हमने। और ये मसाले भी इसी में डाल दिए, हल्दी धनिया मिर्चा वगैरह जो लिया था हमने। बिल्कुल सिंपल से मसाले जा रहे हैं इसमें। और ये गोश्त अब अच्छे से भुन गया है तो इसमें हम पानी डाल देंगे इतना कि ये गोश्त अच्छे से गल जाए। एक कप पानी डाल देंगे इसमें। और इसको फिर हम कुकर का ढक्कन बंद करके 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर
इसको हम गला लेंगे, एक सीटी जब आ जाएगी उसके बाद 15 मिनट तक इसको गलाएंगे। अच्छा से टेंडर हो जाना चाहिए मीट। तो ये हमने कुकर की लिड लगा दी है और अब इसको हम एक सीटी आने के बाद 15 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये हमारा गोश्त जो है अच्छे से गल जाए। ये एक साबुत लाल मिर्च ली है हमने और ये 10-12 दाने काली मिर्च के लिए हैं, 4-5 लौंगे, एक बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के छोटे से टुकड़े हैं ये, और ये 1 टीस्पून धनिया है साबुत, ये 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून सौंफ है। इन सबको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, तवा गरम करके और हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जलना नहीं चाहिए, बस ये गरम हो जाए, हल्की सी खुशबू आने लगे और फिर इसको हम ठंडा करके थोड़ा सा फिर पाउडर इसका बना लेंगे। तो ये हमारा दाल में जाएगा और इस तरीके का मसाला आप बना के रख सकते हैं। जो मसाले वाली दालें होती हैं आप उसमें यूज़ करें, चने की दाल, मटर की दाल या मसूर की दाल में, तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है इससे दाल। तो इसको हम भून के पीस लेंगे। इलायची के दाने थोड़े से खोल लिए हमने ताकि अच्छे से भून जाए और ये रोस्ट होने के बाद फिर हम इसका पाउडर बना लेंगे। तो इसकी स्टीम ख़त्म हो गई है, तो अब देख लेते हैं कि गोश्त गल गया है कि नहीं। अगर गल गया है तो फिर इसको हम भून लेंगे, इसका जो पानी है सब जला देंगे, बिल्कुल भुना भुना सा कर लेंगे इसको। तो फ्लेम को ऑन कर देते हैं और इसका पानी जो है ख़त्म कर लेंगे। गोश्त हमारा गल गया है और अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे, ऑयल बिल्कुल इसका रिलीज़ हो जाए और गोश्त बिल्कुल भुन जाए। उसके बाद हम इसको एक अलग किसी बर्तन में कर लेंगे क्योंकि इसी कुकर में हम दाल को गलाएंगे। थोड़ा सा बना रहे हैं तो इसलिए अलग अलग हम ही पका रहे हैं, अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो आप गोश्त और दाल अलग अलग बना सकते हैं। तो ये सारा मसाला वगैरह सब हम ले लेंगे इसमें और फिर इसी में हम दाल को पका लेंगे, यानी जो हमारे घड़े माश हैं उसको डाल देंगे। ये 1 घंटा भीगे हुए हैं, आप ज़्यादा भी भिगो सकते हैं। और हल्का सा कहल लें और उसके बाद धो के इसको भिगो दें तो ज़्यादा अच्छा है, और वैसे ऐसे भी आप भिगो सकते हैं। हल्का सा कहल लें मतलब हल्का सा रोस्ट कर लें जैसे खड़ी मूंग को करते हैं। और 2 कप इसमें हमने पानी डाल दिया है और थोड़ा सा हल्दी, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे। ये 1 तेज़पत्ता डाल दिया, ये थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून और थोड़ा सा नमक डाल के इसको हम पहले खोला लेंगे, खोले ही पका लेंगे। और फिर उसके बाद इसमें हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे, सीटी लगाएंगे इसमें। 1 सीटी आने के बाद 15 मिनट तक स्लो फ्लेम पर इसको हम पका लेंगे ताकि ये हमारे जो माश हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, बिल्कुल मैशेस से हो जाना चाहिए। और ये भिगो के रखे हैं तो इसलिए ये 15-20 मिनट में अच्छे से उबल जाएंगे ये। तो इसकी स्टीम ख़त्म हो गई है, तो देख लेते हैं कि हमारे माश कैसे गले हैं। अगर कम गले हैं तो थोड़ा सा और गला सकते हैं। तो इसको चेक करके देख लेते हैं माश गले हैं कि नहीं। तो हाँ, ये माश गल गए हैं और हाँ, इसको अच्छे से अब हम पका लेंगे ताकि बिल्कुल ये मिक्स हो जाएं, अलग अलग से पिखरे पिखरे से ना लगे, एक सार हो जाएं, थोड़ा सा मिक्स हो जाएं। तो इसको थोड़ी देर हमें पकाना पड़ेगा, 5-6 मिनट इसको अच्छे से हम घोट घोट के पका लेंगे, थोड़ा सा चम्मच चला के अच्छे से। और फिर इसके बाद इसमें हम गोश्त डालेंगे जो हमने निकाल के रखा है। तो देखिए अब थोड़ा सा मैश होने लगे हैं, ये मिक्स होने लगे हैं। और ये जो हमने गोश्त निकाल के रखा था इसके ऊपर का थोड़ा सा ऑयल हम निकाल लेंगे ताकि जब ऊपर से डालेंगे तो वो अच्छा लगेगा, क्योंकि दाल के साथ जितना भी आप ऑयल डालें सब उसी में मिक्स हो जाता है, अंदर जज्ब हो जाता है।
तो ये सारा गोश्त हमने इसमें डाल दिया है, और ये जो सारे मसाले इसके हैं वो भी डाल देंगे इसी में। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, और अब अच्छे से भी इसको फिर से मिक्स करेंगे, और थोड़ी देर इसको हम 10-15 मिनट इसको हम पकाएंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, और थोड़ा सा इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है ज़्यादा पकने की वजह से। तो हमने जो मसाला भुना था दाल के लिए जो बना रहे थे हम, वो हमारा भुन के हमने इसको पाउडर बना लिया है, और एक चम्मच उसमें हम भर के डाल देंगे। सारा मसाला नहीं डालेंगे, अगर हम पूरे एक कप दाल की बना रहे होते तभी पड़ जाता है इसमें, लेकिन हम आधा कप मूंग के माश के बना रहे हैं तो ज़्यादा हो जाएगा मसाला, बस इतना ही डालेंगे इसमें हम, और थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, और इसको हम ढक के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तो ये मिक्स करके थोड़ी देर इसको हम ढक देते हैं और फिर इसको पकने देते हैं ताकि अच्छे से ये पक जाए और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, मसाले दालों में मिक्स हो जाएं, और खुशबू जो हमने डाली है इस पर वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ी देर इसको हम और पकाएंगे, तो ये देखिए अब इसका टेक्सचर अच्छा होने लगा है जैसे होना चाहिए। और ये हमारा जावित्री इलायची का पाउडर है, थोड़ा सा हाफ टी स्पून के करीब ये भी इसमें डाल देंगे हम। ताकि बहुत अच्छी से खुशबू आए, बिल्कुल ये हमारा शादियों वाला जैसे होता है माश गोश्त वैसे ही बने। और ये हरे मिर्चे थोड़े से हम डाल रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जितने चाहें उतने डाल सकते हैं, और ये हरे मिर्चे भी इसके साथ पक जाएंगे, और थोड़ी सी अदरक कटी हुई डालेंगे इसमें हम, आप चाहें तो चौकोर काट के डाल सकते हैं या जूलियन काट के डाल सकते हैं। तो थोड़ी सी अदरक भी डाल देते हैं साथ में। अब हमारी ये पक के तैयार होने वाले हैं माश, तो बस ये तैयारी पर है। थोड़ा सा इसमें मैं रोक लिया है गार्निशिंग करने के लिए, और अगर गार्निश नहीं करना है तो सारी चीज़ें एक साथ डाल दें इसमें हम। और बस ये हमारा अब तैयार है माश गोश्त, और बघार के लिए थोड़ा सा हम देसी घी ले लेंगे और थोड़ी सी प्याज, उससे हम इसको बघारेंगे। इसको थोड़ा सा हमने मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया है, ये देखिए अच्छे से पक रहा है हमारा, बहुत तेज़ आंच पे नहीं रखें ताकि अच्छे से ये धीमी आंच पे पकेगा तो बहुत टेस्टी होता है, सौंधा हो जाता है। और फ्लेम स्लो रहने देंगे, ये हमने देसी घी ले लिया है और ये थोड़ी सी प्याज ली है, ज़्यादा नहीं, इसको बघार लगाने के लिए। और इसका बघार बना के लाते हैं, तब तक कि इसको हम स्लो फ्लेम पर ही रहने देंगे ढक के। तो ये देखिए हमारा बघार तैयार हो गया है, और अब इसको हम डाल देंगे इसमें। तो बस ये हमारा उड़द गोश्त तैयार हो गया है, बस इसमें एक चीज़ रह गई है, वो हम मिट्टी की सकोरी से इसमें धुंगार लगाएंगे, आप चाहें तो कोयले से भी लगा सकते हैं। ये देखिए एक मिट्टी की सकोरी है, इसको हमने गैस चूल्हे पर रख दिया है आंच पर पकने के लिए, ताकि ये खूब अच्छे से गर्म हो जाए दोनों तरफ से, और फिर इसको हम जो हमने माश गोश्त बनाया है उसमें डाल देंगे। ये फाइनल टच है, बस इसके बाद हम सर्व कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये पकने लगती है, और बस इसका ढक्कन बंद करके छोड़ देंगे।
तो जब थोड़ा सा वो ठंडा हो जाएगा सिकोरा, तब हम उसको निकाल लेंगे। 5 मिनट इसी में रहने देते हैं और 5 मिनट के बाद वो निकाल लेंगे हम। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे और अब हमारा उड़द गोश्त बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। इसको हरा धनिया से गार्निश करें और ये जो हमने तीरा निकाल के रखा है ये भी इसके ऊपर डाल देंगे। आप चाहे तो सर्विंग डिश में डालें और चाहे तो ये सारा जो हमारा रखा हुआ है उसमें डाल दें, कुकर में ही या बड़े बर्तन जिसमें भी पका रहे हों आप। तो इसको सर्व कर लेते हैं इसी तरीके से गर्मा गर्म। चावलों के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है ये, और रोटी के साथ भी। जैसे चाहें आप सर्व करें, जैसे चाहें खाएं आप इसको। बहुत ही टेस्टी हमारे उड़द गोश्त तैयार हो गया है। इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी हमारी रेसिपी। बहुत ही सिंपल सी है लेकिन टेस्टी रेसिपी है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो थोड़ा सा हरे मिर्चे, अदरक के जुलियन और हरा धनिया इसके ऊपर डाल दें तो बस मज़ा आ जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा ये। इस तरीके से सर्व करें। और अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार लाइक ज़रूर करें, शेयर करें हमारी रेसिपी को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।